हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि एलएनटी का लोन अकाउंट नंबर आप कैसे पता कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर आपको एलएनटी फाइनेंस का कोई भी है गाइस, उसके अंदर आपको ऑटो व्हीकल्स का हो या आपका गाइस होम लोन हो या पर्सनल हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो, तो सारा का सारा लोन अकाउंट नंबर आप पता कर सकते हो। बहुत ईजी है गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको काम हो जाता है तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपको अगर कुछ पूछना है इस वीडियो के रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और गाइस, आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम है हो तो वो भी आप बता सकते हो। तो गाइस चलिए हम जानते हैं हमारा एलएनटी का लोन अकाउंट नंबर कैसे निकाल सकते हो। तो गाइस, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके पैसा बाजार एक ऐप है उसको डाउनलोड करना है। वहाँ आपका अगर अकाउंट है तो गाइस क्या करना है, आपको लॉग इन हो जाना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है ना तो आपको इधर साइन अप होना है। तो देखिए, इधर मैं पैसा बाजार ऐप सर्च कर लेता हूँ, ऐसा आपको भी सर्च करना है पैसा बाजार। तो यहाँ आपका गाइस सारा जितना भी लोन अकाउंट नंबर होता है गाइस यहाँ होता है। कैसा आपको देखना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसको ओपन कर लीजिए डाउनलोड करने का। और अगर आपका अकाउंट है तो आपको लॉग इन होना है। अगर आपका इसमें पहले अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप कर लेना, सही डेट ऑफ बर्थ डाल के साइन करना है। नहीं तो गाइस आपको जो पीडीएफ डाउनलोड करेगा उस पर प्रॉब्लम आता है। तो गाइस यहाँ क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करना है। देखिए क्रेडिट स्कोर लिखा है हमारा 730 दिखा रहा है। तो ये आपका लोन अकाउंट से जुड़ा रहता है गाइस, यहाँ सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो क्रेडिट स्कोर बीच में है उस पर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ इक्वाफिक्स दिख रहा है EQUI, उस पर क्लिक करना है। नीचे डाउनलोड लिखा रहेगा इक्वाफिक्स के। तो गाइस यहाँ डाउनलोड रिपोर्ट लिखा है। डाउनलोड रिपोर्ट पे आपको किधर सिविल पे आपको नहीं शो होगा, जैसा बोल रहा हूँ हाई मार्क या इक्वाफिक्स पे ही आपको शो होता है। ये दो चीज़ पे शो होता है आपका लोन अकाउंट नंबर। तो चलिए हम देखते हैं क्या कैसे हमें देखना है। तो गाइस आपको इधर ऊपर डाउनलोड रिपोर्ट लिखा है, तो ऐसा ऊपर सिविल के बाजू में क्लिक करोगे तो हाई मार्क पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ चार रिपोर्ट आपका दिखाता है, तो आपको देखना है हाई मार्क या इक्वाफिक्स पे आपसे आपको लेना है। तो चलिए आपको जैसा बताता हूँ वैसा आपको फॉलो करना है। 100% आपका जो एलएनटी का अकाउंट नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो इक्वाफिक्स पे आपको क्लिक करना है, हाई मार्क पे भी आपको मिल जाएगा, दोनों पे मिलता है। बाकी एक्सपीरियंस पे आपको नहीं मिलेगा, सिविल पे नहीं मिलेगा। तो ये दोनों स्विच आपको लेना है और डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करना है। डाउनलोड रिपोर्ट दिख रहा है गाइस, यहाँ नीचे देखिए डाउनलोड रिपोर्ट लिखा है, उस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। तो हमने डाउनलोड कर लिया गाइस, हमारा अभी डाउनलोड हो रहा है। लोडिंग देखो दिखा रहा है हो चुका। अब आपको क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट, तो क्रेडिट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। अब अगर आप रिकमेंडेड पे क्लिक करोगे तो आपका ये डाउनलोड नहीं होगा, पैसा मांगेगा। ये क्रेडिट रिपोर्ट ये फ्री है गाइस, तो आपको क्रेडिट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए हमारा डाउनलोड हो चुका है। और डेट मंथ ईयर मतलब आपको डेट ऑफ बर्थ डाल के इधर ओपन करना है। अभी आपको करना फिर से एक बार आपको डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करना है गाइस। डेट सेलेक्ट कर लेना, आपको पीछे की सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने लोन लिया था। यहाँ दिखाता है कब आपने लोन लिया था, वो तारीख से आप कर सकते हो। अब आपको एडोब आर्कोबेट या कोई भी पीडीएफ ओपनर डाउनलोड करके उसको ओपन कर लेना है। यहाँ जो मैं आपको बोला था डेट ऑफ बर्थ से ओपन करना है, तो आपको यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएगी पीडीएफ कैसे ओपन करें सिविल स्कोर का, तो मालूम पड़ जाएगा। मैंने बनाया होगा इस, आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ देखिए एलएनटी फाइनेंस लिमिटेड है गाइस हमारा। यहाँ अब आपको अकाउंट नंबर भी दिखा देता हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक दिख रहा है, LNT दिख रहा है गाइस, LNT फाइनेंस लिमिटेड। अब इसका अकाउंट नंबर भी आपको मैं दिखाऊंगा, बाजू में अकाउंट नंबर है हमारा। देखिए अब इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, LNT का बाजू में अकाउंट नंबर है, वही हमारा अकाउंट नंबर है गाइस। यहाँ से आप बहुत ईजी तरीके से अपना अकाउंट नंबर ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना अकाउंट नंबर लेना। तो गाइस पूरा फुल नहीं दिखा सकता आपको, ये पर्सनल इशू है, इसके लिए आपको प्राइवेसी नहीं शो कर सकता हो। तो गाइस यहाँ मैं आपको बोल दिया हूँ जैसा करना है वैसा आपको करोगे तो 100% आपका जो लोन अकाउंट नंबर है एलएनटी का मिल जाएगा। मैंने आपको जैसा दिखाया आप देख सकते हो, आपको वहाँ अकाउंट नंबर है, वही अकाउंट नंबर को ही उसके अंदर लोन अकाउंट नंबर बोलते हैं एलएनटी का। तो गाइस आपको समझ में आ गया कैसा हमें अपना लोन अकाउंट नंबर फाइंड करना है एलएनटी का। तो मैंने एलएनटी से लिया था, फिर पैसा बाजार में स्कोर चेक करते तो वहाँ भी आपका शो हो जाता है गाइस, क्योंकि क्रेडिट स्कोर वाले जितने भी लोन कंपनी वाले यहाँ रिपोर्ट जमा करते हैं क्रेडिट स्कोर में, तो आपका लोन अकाउंट नंबर भी के साथ ही जमा करते। वही लोन अकाउंट नंबर आपको कहाँ चेक करना है, पेटीएम में डाल के चेक कर सकते हो या गूगल पे में कर सकते हो, फ़ोनपे में अभी आप चेक कर सकते हो, आपका ही नाम आएगा। तो ऐसा करके आप अपना लोन अकाउंट नंबर चेक कर सकते हो। तो यही लोन अकाउंट नंबर है आपका, तो आपको गाइस यही लेने का, ऐसा जैसा बताया उसको फॉलो करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहती है। अगर पूछना है कुछ नीचे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब